हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की तरफ से आए हुए लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सो ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये परमानेंट पोस्ट नहीं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है। सो यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, ये आईटीआई वालों के लिए है। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएशन मेडिसिन सेंटर बार की तरफ से ये वैकेंसीज है। एक ही पोस्ट है यहाँ पे, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे आपको रखा जाएगा यहाँ पे टेम्प्रेरी पोस्ट पे। सो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, डिटेल्स वगैरह क्या है। तो टेक्नीशियन बी वन पोस्ट, एसएससी यानी कि आपके पास मैट्रिक या फिर 12 आप कर रखे हैं, प्लस आपके पास एक साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएशन मेडिसिन सेंटर पे है, तो जो चीज़ इनसे रिलेटेड होगा उन पे ही ये रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस आपका लगने वाला नहीं है, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आप एलिजिबल है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट आपको मांगा गया 1 ईयर का, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोग्राफी तो आप प्रीफर, बट नॉट एसेंशियल, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सैलरी 11,730 रुपीज़ और आपको डीए मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो पोस्ट रखा गया है ये आपका 89 डेज़ के लिए है, और ये 2 बार रिवाइज़ किया जा सकता है, तो काफ़ी कम दिन के लिए है, ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ के लिए है, और ये 2 बार रिवाइज़ किया जा सकता है जब तक इनको ज़रूरत अगर पड़ेगा तो। तो पहला तो आपको रहेगा ये ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए, उसके बाद अगर इनका ज़रूरत पड़ेगा तो ये मैक्सिमम 2 बार और आपका रिवाइज़ कर सकते हैं, मतलब आपको 89 डेज़ करके और आपका बढ़ सकता है। तो अगर किसी के पास जॉब नहीं है और वो एलिजिबल है और मुंबई के आसपास रहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको कम से कम एक्सपीरियंस मिल जाएगा बार्क से, तो आपको आने वाले नेक्स्ट जॉब में या आपको यहाँ पर सहायता मिलेगा। क्योंकि अभी जितने भी पोस्ट आ रहे हैं वो आपको टेम्परेरी बेसिस पे ही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग जितने भी है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो आपका टेम्प्रेरी है। देन यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्म किया जाएगा आपका डेट टाइम इंटरव्यू वो आपको मेल के थ्रू होगा। लास्ट डेट यहाँ पे 11/6/2021 रखा गया है, और आपका एज लिमिट, तो एज लिमिट का कोई यहाँ पे टेंशन नहीं, एज लिमिट काफ़ी है। सो आपको अप्लाई कैसे करना है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय हैंड पोस्ट और कुरियर विल ओनली बी कंसीडर्ड। तो आपको यहाँ पे हैंड या पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू सेंड करना है, अगर आप मुंबई के आसपास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुरियर के थ्रू भेजना है पोस्ट और हैंड, तो जाहिर सी बात है जो आसपास वाले होंगे उन्हीं को ये अपना यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। नो सॉफ्ट कॉपी विल बी कंसीडर्ड, और आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। हो सकता है कि ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, यहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही लिख दिया गया है, कोई भी हो सकता है जैसा उनका डिसीजन होगा। अब बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी में आपको नोटिफिकेशन भी है और इसी में आपका फॉर्मेट भी एप्लीकेशन का। सो इसको पूरा आपको फिल कर देना है, आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस अगर है तो, देन नेक्स्ट यहाँ पे सारा कुछ भर देना है, और साथ में आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सिंगल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट अटैच फोटोग्राफ पेस्टेड देन एप्लीकेशन साइन बाय एप्लीकेंट, ये सारा कुछ का आपको टिक कर देना है जो जो आप यहाँ पे भर चुके हैं। और ये आपको जो चेकलिस्ट रहेगा इसको भी आपको सेंड करना है, मतलब कि इसको आपको पूरा प्रिंट कराना है, और इसको ये जो फॉर्म आप फिल कीजिएगा ये, देन ये दो पेज और ये आपका थर्ड पेज, ये तीनों आपका रहेगा, और इसको पूरा तीनों को फिल करके आपको बाय पोस्ट भेज देना है। और नहीं तो अगर आप वहाँ पे आसपास रहते हैं तो अगर आप बाय हैंड भी जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, और इंटरव्यू में भी अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते तो हाईएस्ट मार्क्स जिनका रहेगा उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और वन पोस्ट है। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हैं और आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जॉब की तलाश में, तो काफ़ी अच्छा बात है। एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कहाँ पे सेंड करना है, तो रेडिएशन मेडिसिन सेंटर आपका TMH NX परेल मुंबई 400012, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन फोन नंबर्स पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।